संस्कार भारती गोरक्ष प्रांत, संस्कार भारती महानगर गोरखपुर और दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांस्कृतिक प्राकोष्ठ रोटरी क्लब गोरखपुर युगल के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को आचार्य भरत मुनि जयंती पर नाट्य शास्त्र की आज के नाटकों में प्रासंगिकता विषय पर विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान संगोष्ठी में बतौर मुख्य वक्ता के रूप में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के हिंदी विभाग से प्रोफेसर आरडी राय मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने संगोष्ठी में अपने विचारों को साझा किया। कार्यक्रम का संचालन नाथ के संयोजक निशिकांत पांडे ने किया। इस अवसर पर वीरेंद्र जी गुप्ते, डॉक्टर भरत भूषण, रीता देवी, अजीत प्रताप सिंह, मानवेंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर सुशीला चतुर्वेदी, डॉक्टर शांति शर्मा और अनीता पाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हरि प्रसाद सिंह ने कहा, श्री हरि प्रसाद सिंह जी का और श्री वीरेंद्र जी गुप्ते जी का आप दोनों का इस मंच के माध्यम से स्वागत वंदन और आज उपस्थित है प्रांत के उपाध्यक्ष डॉक्टर भानुभूषण जी, संयोजक प्रांत की डॉक्टर सुशीला चतुर्वेदी जी, आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन उपस्थित है, आपका भी स्वागत वंदन और अभिनंदन है। साथ ही इस विद्यालय जो इसके वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आपको बता दूं कि वसंतोत्सव के अवसर पर 16 सजाने का कार्य संस्कार भारती को मिला था, जिस पर सबसे मेरा नाम हरि प्रसाद सिंह है, मैं संस्कार भारती की राष्ट्रीय टीम से जुड़ा हूँ। संस्कार भारती परिवार द्वारा प्रतिवर्ष नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि जी की जयंती मनाई जाती है। भरत मुनि जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने नाट्य शास्त्र के रूप में ब्रह्मा के निर्देश पर पंचम वेद की रचना की थी और इसी उपलक्ष्य में आज एक गोष्ठी रखी गई थी कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र और आज के जो नाटक हैं उनकी प्रासंगिकता क्या है। और आज इसके मुख्य वक्ता थे गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर रामदरस राय जी, जिन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण बातें बताईं और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र और उनका जो रस सिद्धांत है वो आज के समय में कितना समीचीन है, इस पर उन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। संस्कार भारती परिवार का ये आयोजन निश्चित रूप से रंगमंच की दिशा में एक महत्वपूर्ण आयोजन था।